वर्ष 2013 से जब से स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम हमारे प्रदेश में शुरू हुआ, तब से कुछ एक ऐसी पहल हमारे स्कूल में भी हुई हैं, ख़ास करके जो हमारा बच्चों का बेहतर तरीके से बच्चे सीखें, पढ़ाई के तरीके में बदलाव हो, उसमें कुछ खास बातें हैं। एक तो ये है कि जो क्लासरूम में हमारी परंपरागत पढ़ाई का तौर तरीका था कि अध्यापक क्लास में जाएगा और पढ़ाएगा, बच्चे सुनेंगे, उसमें एक चेंज की जो ज़रूरत हम देख रहे हैं कि बच्चों को सक्रिय किया जाए सीखने में। इसके लिए एक प्रयास जिसमें हमें कुछ कामयाबी भी मिली है, हमने 10वीं तक की कक्षाओं के लिए फ़िलहाल उनका जो डेस्क है वो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि उसमें 6 बच्चे ग्रुप में बैठते हैं और अध्यापक जो भी पढ़ाई का काम होता है वो बच्चों को एक तो कुछ बताते हैं और फिर बच्चों को उन ग्रुप में करवाते हैं। मेरा नाम बेलीराम ठाकुर। आज मैं बच्चों को डिक्शनरी के माध्यम से सिखा रहा हूँ ताकि वो डिक्शनरी देखकर वर्ड्स मीनिंग बता पाए और वो साथ में अपने नोटबुक में नोट भी कर पाए। अभी हमारी साइंस की क्लास है, हमारे जो साइंस के टीचर है वो ट्रेनिंग के लिए गए, इसलिए हमारी ए बी क्लास कंबाइंड है और हमारी क्लास ग्रुप्स में बैठी हुई है और ग्रुप लीडर्स ने अपने अपने ग्रुप को काम करने के लिए दिया है और बच्चे आप ग्रुप में डिस्कस करके आप अपना काम कर रहे हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा वो अपने ग्रुप लीडर से पूछ रहे हैं या ग्रुप मेंबर से पूछ के ऐसे स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश चंद्र जी, मैं PGT आर्ट्स हूँ। हमने बच्चों की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए पहले ट्रेडिशनल बैठाते थे, बेंचेस बैठा दिए तो आगे से लेकर पीछे तक बैठे हैं बच्चे, ज़्यादातर कमज़ोर बच्चे पीछे बैठते हैं। दो तीन चार बच्चे पढ़ने वाले ठीक ठाक है और कुछ बच्चे उसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर हमने ये देखा कि जब पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी उनके साथ जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर सोमवार या मंगलवार को हम ग्रुप की जो है इनकी जो है सीटिंग जो है चेंज कर देते हैं बच्चों की। इससे देखा हमने कि बच्चे जो है काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं सीखने की। दूसरा, मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, जब से मैं 3-4 साल से देखा मैंने, मैं अपना बिल्कुल प्लानिंग में जाता हूँ, क्या मैंने बच्चों को पढ़ाना है, क्या पहले ही लेसन प्लान बना गया तो, और वो ही पढ़ाता हूँ। पढ़ाता तो एक दो पैर पढ़ा दिया, उसके बाद ज़्यादातर तो बच्चों से ही कराते हैं, वो उनसे क्या क्वेश्चनिंग करनी है वो उसे एट द मोमेंट करते हैं। मैंने देखा क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इसमें बच्चे मतलब काफ़ी कुछ तकलीफ, इसमें थोड़ा टीचर को मेहनत की ज़रूरत तो है, मेहनत की जरूरत, परंतु इससे हमने देखा कि काफ़ी बहुत मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरा नाम इंद्रा शर्मा है, मैं OT की पोस्ट पर यहाँ कार्यरत हूँ। हम लोग लेसन का प्लान करके कक्षा में जाते हैं और जैसा हमारे हम लोगों ने सोचा होता है कि हम लोगों ने ये पढ़ाना है, उसको हम कक्षा में जा कर के ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप्सों में पढ़ाते हैं और उनका मूल्यांकन अपने आप करते हैं। मैं कक्षा 9C की विद्यार्थी हूँ। हमारे क्लास में जो है ग्रुप वर्क का काम सेशन 2014 से शुरू हुआ है। इसमें हम क्लासों में भी ऐसी सीटिंग होती है हमारी, इससे जो है ग्रुप वर्क से हमें ये फ़ायदा है कि बच्चे एक समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने हर ग्रुप को अलग अलग काम दिया है तो हर ग्रुप एक बच्चा आएगा ग्रुप का, वो एक्सप्लेन करेगा और बाकी सब बच्चों को भी उसका नॉलेज होता है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ बच्चे सुनते थे और अध्यापक जो बोलता था वही होता था, मतलब बच्चों का काम सिर्फ सुनना होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि बच्चों का खुद का दिमाग भी, खुद की क्रिएटिविटी उनकी देखी जाती है। हमारा प्रयोग अब आगे बढ़ रहा है इसमें काम, अभी तक हमने वो सीटिंग अरेंजमेंट बना लिया है, ग्रुप्स बनाए हैं, कुछ काम हो रहा है और अब अक्टूबर महीने से ही हम एक योजना बना रहे हैं कि जो हमारे ग्रुप के लीडर्स हैं कक्षाओं में, उन लीडर्स की हम अलग से कुछ ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करेंगे, उनकी वर्कशॉप करेंगे ताकि उनकी जो भूमिका है उसके माध्यम से जो बाकी बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं या उनका ग्रुप का काम किस तरह से बेहतर तरीके से हो सकता वो बच्चे करें, तो इससे जो पीयर लर्निंग है वो प्रमोट होगी, ऐसा हमारा
मानना है। हमने 2012-13 से ही ये शुरू किया कि जो अध्यापक हैं उनका समय समय पर हम बैठ के करें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी कार्यशाला करें और जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनके ऊपर चर्चा करें और हम योजना बनाएं कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे ज़्यादा सीखें। तो इसमें साल में हम कई बार, जब भी हमें लगता है कि अब ज़रूरत है किसी मुद्दे के ऊपर बात करने की, बैठकें करते हैं, कार्यशालाएँ करते हैं और ख़ास करके जो हमारे मासिक टेस्ट होते हैं और जो गृह परीक्षाएं होती हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, उनका जब परिणाम क्लास का टीचर्स का कंपाइल हो जाता है उसके बाद हम टीचर्स के साथ अलग से बैठक करते हैं और उस रिज़ल्ट के ऊपर उसका विश्लेषण करते हैं कि उसमें किस किस सब्जेक्ट के अंदर या कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमजोरियाँ रही हैं या पीछे हैं ताकि उसकी भरपाई की जा सके और आज आगे हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो चेंजेस हैं ये अध्यापकों के, हम ये मानते हैं कि बेहतरी तभी होगी जब हमारे शिक्षक जो हैं लगातार अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम बेहतर से बेहतर बनने का खुद प्रयास करेंगे। और दूसरा, हमने जो ICT है हमारा उसको यूज़ कर रहे हैं, हमने स्कूल के अंदर एक मल्टीपर्पज़ हॉल है वहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास व्यवस्था है और वहाँ पर बाकायदा ग्रुप में बैठने की व्यवस्था है और क्लासेस वहाँ ली जाती हैं। हमारे पास, हमने अलग से एक अपने स्कूल फंड से प्रोजेक्टर लिया है, स्क्रीन है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी स्कूल के अंदर हमारे पास ICT के लिए लेबोरेटरी है, फिर स्मार्ट क्लासरूम है, तो ये कोशिश है कि उसका भी इस्तेमाल हम भरपूर इस्तेमाल करके बच्चों की जो लर्निंग लेवल्स हैं उसको हम इन्हांस कर सकें। इस तरह के काम स्कूल में कर रहे हैं। और इससे पहले जब हम ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनता था हमारा, हमारी ऐसा देख रहे हैं हम कि उसमें वो योजना में प्राथमिकता ये होती थी कि हमारे पास कोई कमरों की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, टॉयलेट की ज़रूरत है, वो हम रखते थे आगे, फिर हम पढ़ाई लिखाई की बात करते थे। अभी ये शिफ्ट हमारा 2013 के बाद ऐसा है कि अब हम अपनी योजना में भी सबसे पहले जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, जो पढ़ाई लिखाई में, उसकी योजनाएँ सबसे ऊपर रखते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान में भी, और बाकी जो काम है वो हम उसके बाद उनको महत्व देते हैं। तो वो योजना में भी एक शिफ्ट है। उसके बाद जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है SMC, उसके अंदर जो मासिक बैठकें होती हैं वो हमारी 2012-13 से ही हमने शुरू किया कि उसमें हम ज़्यादा समय, लगभग 70% समय जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर बातचीत करें कि कहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से बच्चों की उपस्थिति अच्छी हो, किस तरह से बच्चों का होमवर्क अच्छा हो, किस तरह से पेरेंट्स उसमें सहयोग दें, तो उस पर हम ज़्यादा, या स्कूल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पेरेंट्स को बताना, वो हम मंथली मीटिंग में भी और जो जनरल हाउस की मीटिंग होती है उसमें भी रखते हैं। बाकायदा जो हमारे मंथली टेस्ट होते हैं और टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस होती है, उसको भी पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। पहले हम आठवीं तक की पढ़ाई के बारे में बातचीत करेंगे। मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी कि वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार कानून 2009, या उसको शॉर्ट में कहते हैं RTE 2009। और इस बार हमारी योजना एक ये भी है, अभी सेब का सीजन ख़त्म हो रहा है, अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक गांव है वहां हम जाएंगे और स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, कुछ अध्यापक और गांव के जो बच्चे हैं जो यहां पढ़ते हैं और उनके अभिभावक हैं, उनके साथ गांव में जाकर हम बातचीत करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और पेरेंट्स कैसे योगदान दे सकते हैं बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए और बच्चों का नियमित रूप से स्कूल आना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें। और कोशिश करेंगे कि गाँव के अंदर भी हमारे पास कोई ऐसा संपर्क सूत्र हो, वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हों जिनके साथ हम स्कूल और पेरेंट्स के बीच का संवाद हम लगातार बनाए रख सकें और जो समस्याएं अगर कोई आती हैं तो उनके ज़रिए हम माँ बाप तक बात कर सकें। हम जो बच्चे हैं उनके, हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, हमारे पास जो क्लास लीडर्स हैं, हर क्लास में 2 क्लास लीडर्स हैं, उनकी भी हम रेगुलर मीटिंग करते हैं, उनके साथ हम उनकी जो समस्याएँ क्लास की हैं उनको पूछते हैं क्या समस्याएँ हैं और उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। मेरा नाम प्रतिभा कटोच है और ये रिनू है, हम दोनों ही प्लस टू साइंस की क्लास लीडर्स हैं।
हमारे स्कूल में हर एक क्लास में कोई ना कोई क्लास लीडर होते हैं, दो क्लास लीडर होते हैं हर एक क्लास में, जिनका काम होता है कि अपनी क्लास के ध्यान रखना और अपनी क्लास की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रिंसिपल तक पहुंचाना। हमारे स्कूल में एक प्रोसीजर से ही क्लास लीडर्स बनते हैं। हमें सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है क्लास लीडर बनने के लिए, और प्रिंसिपल सर और बाकी तीन जजेस, मतलब प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर एंड क्लास टीचर, हमारा क्लास टीचर बैठ के हमारा इंटरव्यू लेते हैं, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि किसको लीडर बनाना है। इस जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारी वर्कशॉप भी हुई है इस साल, तीन या फिर चार दिन में आधे आधे घंटे की वर्कशॉप हुई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि लीडर का काम क्या होता है, किस तरह एक लीडर अपना काम करता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हम अपने क्लास और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। हम लोग अपनी क्लास की प्रॉब्लम्स को टीचर को बताते हैं, और जो टीचर हमें उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं वो हम क्लास में बताते हैं। जो भी जानकारियाँ प्रिंसिपल सर के साथ भी हमारी मीटिंग होती रहती है महीने में या फिर दो महीने के अंदर, तो जो प्रिंसिपल सर हमें जानकारियाँ देते हैं उन्हें हम अपने मतलब क्लास के बच्चों को भी बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रीडर्स क्लब है, उसकी मीटिंग करते हैं हम। मैं पाठक समूह की सदस्य हूँ और मैं प्लस टू एआर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और इस स्कूल में साहित्य तथा पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों का अधिक विकास होने के लिए पाठक समूह का निर्माण किया गया है। उस समूह का ये कार्य है कि जो बच्चे कक्षा में पढ़ने में अधिक से अधिक भाग लेते हैं तथा साहित्य तथा लेखन के क्षेत्र में अधिक कार्यरत रहते हैं, वे सभी इसमें भाग लेकर अधिक से अधिक अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा अन्य बच्चों को भी कक्षाओं में पढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। इस समूह ने कई बार ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिसकी वजह से बच्चे लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और लिखने के लिए भी निरंतर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जून महीने में हमारे स्कूल के इस समूह ने एक गोष्ठी की थी, वो गोष्ठी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर थी। उसमें छठी से लेकर प्लस टू तक की कक्षाओं के सभी बच्चों ने अनेक कहानियाँ पढ़ी तथा उनके कुछ साहित्य की किताबें भी पढ़ी। खास करके जो बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जो टेस्ट में, टर्मिनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पोजीशंस लेते हैं, उनको तो बाकायदा हम उस एग्ज़ाम के बाद, टेस्ट के बाद उनके साथ एक अलग से बैठक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से ये अच्छे मार्क्स लाते हैं, और साथ में वो टारगेट सेट भी करते हैं कि वो आगे कितने परसेंट मार्क्स लेंगे। एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं समझता हूँ कि वो भी एक इनोवेशन है कि टीचर्स अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, सारे अध्यापक अपने लिए, कि इस साल वो उनके बाद जो बच्चे हैं वो कितने डिस्टिंक्शन लेंगे, यानी कि 75% से ऊपर मार्क्स लेंगे, कितने फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। हमारी जो पढ़ाई आज है उसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक तो ये है कि वो ज्ञान प्राप्त करना है, और वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, इस तरीके से करना है कि रट्टे से नहीं करना है। मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटराई में फिज़िक्स लेक्चर के रूप में काम कर रहा हूँ। इस स्कूल में हम लोग पढ़ाई इनोवेटिव तरीके से करवाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ प्लस वन और प्लस टू साइंस में काफ़ी अच्छी है पिछले सालों में, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे आपको पता है कि बच्चों को आदत होती है क्रैमिंग करने की और बच्चे समझ के नहीं करते, तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं बच्चों को क्रैम ना करवा के उनको चीज़ों को समझाऊं। जो बोर्ड के रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं हमारे इसमें, फिर जो डिस्टिंक्शंस हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पिछले इस सेशन में भी हमारे पास फिज़िक्स में लगभग 12 डिस्टिंक्शंस आई हुई। मेरा नाम हीरा लाल है, मैं 10+1 और 10+2 क्लासेज में इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ, और आजकल हमारे यहाँ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के तहत जो टीचर्स हैं वो जो हमारी ट्रेडिशनल प्रणाली है जिसमें क्रैमिंग और रोट लर्निंग उसको फोकस किया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती है, सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो उससे थोड़ा सा हटके हम काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में ना केवल जो रटने की प्रवृत्ति है वो हो, बल्कि उनकी समझ बने, और जो वो पढ़ रहे हैं उसको समाज में किस तरह से जोड़ कर देखना है उसकी एक समझ उनके अंदर पैदा हो। मेरा नाम शकुंतला शकुन, मैं लेक्चरर हिस्ट्री। जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं और टेस्ट के बाद हम सभी टीचर्स बैठ करके एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, कैसे आगे फर्दर हमने जो ये इम्प्रूवमेंट करनी है, प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर हम बड़े डीपली जो है इसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। तो पर्सनली मैंने देखा कि इन सब चीज़ों का टीचर्स को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है,
और साथ ही साथ बच्चों को भी, बच्चे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं इसके अंदर, बच्चों के अंदर भी। वो हमारा ये विजन है कि भय मुक्त, स्नेहपूर्ण और विद्यार्थी केंद्रित वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।